रतलाम जिले के थाना कालूखेड़ा के अंतर्गत ग्राम आक्यादेह में 16 मार्च की रात में लड़की घर पर नहीं होने से खलबली मच गई। परिजनों ने सभी ओर ढूंढने के बाद अगले दिन पुलिस थाने में लड़की के पिता अनोखीलाल चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि ग्राम आक्यादेह में एक मुस्लिम लड़का शाहिद मंसूरी के द्वारा हिंदू लड़की को शनिवार की रात्रि में भगा कर ले गया और ये लव जिहाद में अपहरण कर ले गया, जिसके बाद 18 मार्च को सोमवार को चौधरी समाज और हिंदू जागरण मंच जावरा और बजरंग दल के द्वारा थाना कालूखेड़ा में तहसीलदार पिपलोदा राकेश सस्तिया को ज्ञापन दिया गया। आक्यादेही की लड़की को एक मुस्लिम लड़का शाहिद मंसूरी के द्वारा लव जिहाद कर जो अपहरण किया, उसी प्रकार ये गांव की तीसरी घटना हो चुकी है। पूर्व में भी दो हिंदू समाज के लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं और गलत काम करते हैं व बेच देते हैं, जिसमें कि सभी हिंदू समाज के लोगों और संगठनों में भारी आक्रोश फैला हुआ है। आज आक्यादेह में गायरी समाज की लड़की मनीषा चौधरी, जो अभी 18 साल पूरे हुए हैं उसको, और वहाँ के चार पांच घर मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका एक ही षड्यंत्र है कि कैसे भी करके हिंदू समाज की लड़की को भगा कर हम ले जाएं। ऐसे दो बार प्रकरण पहले हो चुका है, वहाँ पर दो समाज की हिंदू समाज की लड़की मुस्लिम समाज के लड़के के साथ भाग चुकी हैं, परंतु पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमने पिछली बार भी जब ये बात उठी तब पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा। 2 महीने से लड़की उनकी हिरासत में थी, फिर हिंदू समाज के सारे लोग आकर ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद वो लड़की आई है। फिर हम यही चाहते हैं कि हमारी जो लड़की है, जो पूरे देश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, जो मुस्लिम लड़कों का यही काम है कि कैसे भी कर हिंदू समाज की लड़कियों को भगा कर ले जाएं और उनके साथ गलत काम करें और उसको उसके बाद उसको बेच दिया जाए। हम हिंदू समाज के लोग हैं, हमारा भी खून है, अगर हमारे समाज की लड़कियों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। आज हम 12 घंटे का अल्टीमेटम CSP साहब और तहसीलदार साहब TI साहब को दिया है, अगर 12 घंटे में हमारी लड़की जो मनीषा चौधरी है वो हमारे परिवार के सुपुर्द नहीं होती है तो हम 12 घंटे बाद पूरे थाने का घेराव भी करेंगे, और जो कार्रवाई हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो सारा हम करने की कोशिश करेंगे। हम पुलिस प्रशासन पर निवेदन करना चाहते हैं कि 12 घंटे आपके पास है, हमारी लड़की सुरक्षित हमारे पास आ जाए। हम कोई कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, परंतु हमें मजबूर होना पड़ेगा कानून हाथ में लेने पर। अगर आप आचार संहिता की डर बताते हैं कि हम कायमी कर देंगे, तो कायमी करने से हम कोई डर नहीं रहे, कायमी होती है कुछ भी हो, पर हमारी बहन बेटी अगर ऐसे काम कर लव जिहाद में अगर फंसती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज आपका नाम? रितेश कुमार जैन, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। ज्ञापन में इन्होंने मांग की है कि जो एक बच्ची है जो गुमशुदा हो गई है उसको वापस ढूंढ करके लाना है। सर, देखा जाए तो कि ये तीसरा मामला जो लव जिहाद का बताया जा रहा है, और पहले भी उन्होंने कहा है कि 24 घंटे 36 घंटे का ऐसा कुछ अल्टीमेटम पुलिस को बताया था, उसके बावजूद भी नाकामयाब दिख रही पुलिस, क्या कुछ है? नहीं, पुलिस को इन्होंने कल दिन सुबह सूचना दी है, और उसके बाद से पुलिस की हमारी टीम लगी हुई है, 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में गई हैं, साइबर सेल भी एक्टिव है, और बाकी लोगों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो टीम लगी है और हम शीघ्र ही जो लड़की घूमी है उसको ढूंढने में कामयाब होंगे। ऐसा मामला सर आक्या से होता है, ऐसा जी हाँ, इस तरह की कोई इनको सपोर्ट करने वाला है या सामाजिक संगठन है ऐसा कुछ है तो ताकि इनको श्रेय मिल रहा है, इस तरह की बात अभी इन्होंने बताई है, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी और इस तरह का कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन से गांव का मामला है? आक्यादेह, कालूखेड़ा थाना। कब तक सर कार्रवाई हो जाएगी, कब तक लड़की मिलेगी कुछ? हमारी टीम लगी हुई है और शीघ्र अति शीघ्र हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है, लव जिहाद को लेकर के कहीं घटनाएं अपने देश और आसपास के क्षेत्र में की जा रही है। कल भी एक घटना में इसी प्रकार हम लोग रहे हैं, लव जिहाद के नाम से ये लोग हिंदू लड़कियों को बेला फुसला करके ले जाते हैं, और आज हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया हिंदू जागरण मंच के नाम से, तो प्रशासन आचार संहिता का नाम लेकर के हिंदू समाज को पीछे हटने को कह रही है, धमकियां दे रही है, लेकिन हिंदू समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि उनकी कोई बहन बेटी ले जाए और वापस प्रशासन के डर से हिंदू समाज चुप बैठ जाए। हिंदू जागरण मंच ने चेतावनी देते हुए कहा है 12 घंटे के अंदर यदि हिंदू समाज की बेटी है
तो 12 घंटे के अंदर यदि नहीं आती है तो फिर हिंदू जागरण मंच अपने स्तर से कार्रवाई करेगा और प्रशासन को संभालना बहुत महंगा पड़ेगा। यह हमारी तरफ से हिंदू जागरण मंच से पूरी चेतावनी है और प्रशासन इसको समझ ले, हिंदू समाज को कमजोर न समझे। उस गांव में कितने प्रकरण हो गए इसके? तीन घटनाएं इसके समेत है, दो घटनाएं पूर्व में हो गई है, जो बेटियां अभी तक मुझे नहीं लगता कि वापस प्रशासन लाने में कामयाब रहा है। प्रशासन की कोई चिंता नहीं है, इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा हो रही है और प्रशासन भी इस पे ध्यान नहीं देता है। क्या नाम है आपका? अनिल पाटीदार, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष। पुलिस प्रशासन ने पहले हमें बोला था कि 12 घंटे में आपकी लड़की मिल जाएगी, फिर उसके बाद बोला था 12 बजे 12:30 बजे तक आपकी लड़की मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिली। हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग करी 12 घंटे और है उनके पास, उसके बाद हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। कितने घंटे बीत चुके हैं उसके? अभी तक समथिंग 28 घंटे बीत गए, 36 घंटे हो गए 16 तारीख की बात है। अभी जो आपने ज्ञापन दिया उसमें क्या आश्वासन दिया है? बस 12 घंटे का बोला है हमने, उसके बाद 12 घंटे का नहीं ला पाए तो क्या कुछ कार्रवाई? हम हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम है सुरेश पटेल।